काफ़ी समय देखा जाता है फूल गोभी का खेती में, फूल गोभी का खेती किए हैं, मैक्सिमम खर्चा किए हैं और फूल बनाए नहीं है, इस टाइप का कंडीशन है, या फूल गोभी का खेती करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखिए। तो नमस्कार बंधु, आज का वीडियो में बात करेंगे फूल गोभी में फूल ना बनने के पीछे क्या क्या रीज़न है और उसको संशोधन कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, उसी के बारे में। तो फर्स्ट नंबर बात होता है प्रकाश संश्लेषण। छाया में फूल गोभी का खेती करने का कारण पे प्रकाश संश्लेषण सही से होता नहीं है, जहाँ से धूप अच्छा तरह पौधों को नहीं मिल रहे हैं तो उस समय अच्छा से नहीं बनता है। बोला जाता है कि जब फूल गोभी का पौधा में जब आप सर्दी का समय में कर रहे हैं तो कम से कम 4.5 से 5 घंटा धूप उसको मिलना चाहिए लगातार। जब फूल बनने का टाइम है, अर्ली वेराइटीज है, ट्रांसप्लांटेशन का 4 सप्ताह 5 सप्ताह बाद में अच्छा धूप उसको मिलना चाहिए। आप लेट वेराइटी का कर रहे हैं, ज़्यादा समय का पौधा का कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेशन का बाद 50-55 दिन से अच्छा से उसको धूप मिलना चाहिए, तभी ये फूल बनता है। ये एक कारण होता है, सही से धूप ना मिलने का कारण पे फूल नहीं बनता है। बरसात का समय में कर रहे हैं तो इस समय में भी सेम दिक्कत हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत इस समय इसका कारण पे नहीं। ज़्यादातर देखा जाता है कि फूल गोभी के लिए जो सबसे अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कारण पे भी कभी कभी होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर का अंदर वो रहेगा तो अच्छा से फूल गोभी का फूल बनता है और उसको अच्छा होता है। जब पौधशाला में है उस समय थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा तो पौधा अच्छा होता है। इस समय में लगभग 40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहेगा या उस टाइप का कंडीशन हम लोग तैयार कर पाएंगे तो अच्छा होता है। फूल ना बनने के पीछे दूसरा नंबर जो कारण होता है वो है सीड वेराइटी। देखा जाता है कि सीड वेराइटी, बहुत टाइप का सीड वेराइटी होता है। आज देखा जाता है जो उत्तर प्रदेश में आपका अच्छा कंडीशन पे वहाँ पे फूल बन रहे हैं, लेकिन इसी भी सीड वेराइटी हो सकता है हिमाचल प्रदेश में जाके नहीं फूल बनेगा। तो इसीलिए सीड वेराइटी सिलेक्शन का समय में आपको देखना चाहिए, जिस सीड वेराइटी का फूल अच्छा से बनते हैं आपका लोकेशन में उसी सीड वेराइटी को चयन करें। काफ़ी समय ये देखा जाता है सीड वेराइटी का कारण पे फूल नहीं बनता है। तो तीसरा नंबर कारण पे जो बात करेंगे ये है सॉयल क्वालिटी एंड सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल क्वालिटी में जब जितना माइक्रोन्यूट्रेंट्स हो या मैक्रोन्यूट्रेंट्स हो, इस न्यूट्रेंट्स का कारण पे पौधों का विकास सही से नहीं होता है या बाहर से फर्टिगेशन अच्छा से नहीं मिल पाता है, तो जिस कारण पे भी फूल नहीं बनता है या फूल बनता है तो भी छोटा बनता है। तो सॉयल क्वालिटी और फर्टिगेशन का ऊपर भी ध्यान देने का ज़रूरत है कि प्रॉपरली ये सॉयल क्वालिटी रहेगा, फर्टिगेशन होगा तो ज़रूर फूल बनेगा। यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है तो वो प्रॉपरली फूल नहीं बनता। इरिगेशन मतलब सिंचाई का सिस्टम और ड्रेनेज का सिस्टम भी फूल ना बनने का पीछे कारण हो सकता है। काफ़ी समय देखा जाता है कि सिंचाई बहुत दिन बाद मतलब मिट्टी में स्ट्रेस मिल गया, पौधा को स्ट्रेस हो गया है तब उस समय स्टंटिंग हो गया है, तो ये सब कारण पे भी फूल गोभी का फूल नहीं बनता है। या आपका ज़्यादा उसमें पानी दे दिया गया है या बारिश हो गया है और उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उस समय में भी फूल नहीं बनता है। जहाँ पे फूल गोभी लगा गया है उसमें 4 से 5 इंची नीचे तक मिट्टी का नमी बरकरार रहेगा, सारे समय रहेगा तो ये फूल गोभी का फूल बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। कभी कभी इसका स्ट्रेस हो जाता है, मिट्टी सूख जाता है तो ये फूल गोभी का फूल बनने में दिक्कत करता है। तो काफ़ी सारे कारण है फूल गोभी का फूल ना बनने का पीछे। ये 4 मेजर कारण फूल बनने नहीं देते हैं, जो आप ध्यान देंगे तो फूल गोभी का खेती में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लॉस होने का संभावना नहीं रहता है। फूल गोभी का फूल को लेके वीडियो यहीं तक है। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कुछ जानकारी दे पाया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान, जय भारत।